पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही गांव घरों में राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। विदित हो कि बांका जिले के चांदन प्रखंड में पंचायती चुनाव 9वां चरण का 29 नवंबर निर्धारित कर दी गई है, जिसे लेकर प्रखंड के हर क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी बढ़ने की आहट आने लगी है। जहां जिला प्रशासन की ओर से पंचायत चुनाव की नामांकन तिथि और मतदान करने की घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में चांदन प्रखंड के उत्तरी बार ने पंचायत के मुखिया पप्पू दास प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए कहा कि मुझे 2016 में उत्तरी बार ने पंचायत में पहली बार निर्वाचित होकर पंचायत के विकास के लिए जनता के सहयोग प्राप्त कर वो विकास करने का काम किया, जो 2016 के पूर्व नहीं हो सका था। हमने 7 निश्चय नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था, पशु शेड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री मुख्य सड़क योजना, पीसीसी सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि कल्याणकारी योजना से जुड़कर 5 वर्षों में पंचायत के चौमुखी विकास किया, पंचायत के हर गरीब से जुड़कर समाज सेवा का काम किया और धरहरा, पुजार टोला, बिराजपुर, बारा टांड, कुम्हरातरी आदि दर्जनों गांवों में आवागमन साधन बनाया। इसी उम्मीद पर इस बार आने वाली पंचायत चुनाव में जनता के बीच जाकर फिर मौका देने की बात करेंगे, जिससे उत्तरी बार ने पंचायत के अंतर्गत बाकी शेष बचे कार्य को पूरा कर सकूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरे द्वारा 5 वर्षों में क्षेत्र के विकास के लिए गए कार्य को देखते हुए पुनः मुखिया देखना चाहेंगे। इसी क्रम में उत्तरी बार ने पंचायत बिराजपुर गाँव के गुल्लू यादव, धरहरा गाँव के परमेश्वर यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमारे गाँव में आवागमन की भारी तकलीफ होती थी। मेरे वर्तमान मुखिया गांव के दुख दर्द को दूर किया है, इसलिए इस बार भी हम सब उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। इन्होंने 5 साल के दरमियान पीसीसी सड़क, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ दिया। ऐसी स्थिति में हम लोगों के बीच कोई भी नेता आ जाए, हम लोग पुनः पप्पू दास को ही उत्तरी बार ने पंचायत के मुखिया देखना चाहते हैं। ऐसे रोड करवा दिया, पीसीसी करवा दिया, चापाकल करवा दिया, इंदिरा आवास करवा दिया, आला करवा दिया, वो सब वृद्धा पेंशन जितना था सब बूढ़ा बुजुर्ग को सब पास करा दिया, सारा काम करा दिया। करता वृद्धा पेंशन का कराने में मुखिया जी का बहुत बड़ा भूमिका है जी, उसमें कुछ पैसा उसका भी लेते? ना कुछ नहीं लिया, पूरा सेवा किया, सब सेवा की भावना, फ्री सेवा किया। यहाँ क्या आप मुखिया जी से मिलते हैं तो सम्मान मिलता है आपको? जरूर सम्मान मिलता है। आपके पंचायत में कितने उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार 5 उम्मीदवार। स्थिति किनका सबसे बढ़िया है? सबसे बढ़िया स्थिति है पप्पू जी का। मैंने आप लोग उनको फिर दोबारा ला रहे हैं। वो जब तक रहेगा तब तक पप्पू जी मुखिया रहेगा, हमको लगता है। दूसरा अब नहीं करेगा, बस उस तरह विकास किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गुल्लू यादव। इंदिरा आवास दिया, पानी का उचित दिया, पानी की सुविधा व्यवस्था किया, योजना के तहत पीसीसी करवा दिया रोड में। रोड में किसी भी कौन बस्ती है आपका? धरारा। वार्ड नंबर क्या है? कितना है? 7 नंबर। आपके क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ कि फिर दोबारा पप्पू या दास को ही लाएंगे मुखिया में, ऐसा कौन ऐसा काम किए जो कि आपकी चर्चा है? हमारा देश 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, आज तक हमारे उत्तरी बारने में 3 टर्म मुखिया बना, लेकिन 7 वो रोड आज तक कोई मुखिया जी एक कुदर मिट्टी नहीं डलवा पाया रोड में। पहला नंबर ग्राम धरारा, आप जानते होंगे, पुजार टोला, एसटी टोला, उसमें आज तक ढंग से कोई मिट्टी नहीं डलवा पाया, उसमें हमने 1800 फीट पीसीसी करने का काम किया। दूसरा नंबर कि धरारा में आज तक पानी पीने का कोई साधन नहीं था, सब दिन नदी से पानी लोग पी रहा था, हमने उस दुख को दूर किया। तीसरा नंबर का योगदान मिला तो हमने कड़ी मेहनत किया, गांव घर में सबसे मिलजुल कर समाज में बैठक करने के बाद पूरा माँ बहन सबको एक साथ बैठाए, समझाए, दुखनामा सुनाए, कुछ गांव का परतूल दिए, उस बीच में हमारे जनता लोग समझे और हम लोग ने उस काम को ख़त्म करने का काम किया। हमारे उत्तरी बारने पंचायत में आज तक बिचौलिया के माध्यम से मुखिया जीता था, जो भी मुखिया बनते थे वो बिचौलिया के माध्यम से खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।